गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रन बी जी एन एजुकेशन पर। और 10th क्लास का टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें आज स्टार्ट करते हैं। एसिड और बेस के बारे में आपको पढ़ा दिया था भाई, ये है साल्ट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लवण। तो क्या होता है साल्ट? साल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाई एन एसिड। एसिड के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होती है एसिड के अंदर प्रेजेंट, उसको रिप्लेस कर देता है कौन, एक मेटल। तो ये इसकी डेफिनेशन है, साल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाई एन एसिड। एसिड से बनता है, एसिड के अंदर क्या रिप्लेसमेंट होती है, बाई द रिप्लेसमेंट ऑफ है हाइड्रोजन इन एसिड बाई मेटल। यानी मेटल क्या करती है, जैसे यहाँ एक सोडियम मेटल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अपना क्या है, एक एसिड है। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई एसिड मेटल के साथ किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। तो मेटल एसिड के साथ किस प्रकार रिएक्ट करती है, जो ये मेटल है ये क्या कर देती है, इसके हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देती है। और क्लोरीन किसके साथ जुड़ जाता है, सोडियम के साथ जुड़ जाता है। सोडियम क्लोराइड एक साल्ट, जिसे हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस रिप्लेस होती है। ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ एन एसिड में हमने पढ़ा था, वह एसिड मेटल के साथ किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। तो उसी से ये डेफिनेशन निकली है, साल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एन एसिड बाय ए मेटल। यानी एक मेटल, एक धातु एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके अपने साथ जो एसिड के साथ पड़ी हुई चीज़ है, जैसे यहाँ क्लोरीन पड़ा था, क्लोरीन के साथ जुड़ जाती है और ये बन जाता है साल्ट, और हाइड्रोजन गैस है बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से साल्ट का निर्माण होता है। ये साल्ट की आपकी डेफिनेशन है। यदि साल्ट क्लोरीन से बना है तो उसको हम क्लोराइड बोल देते हैं। यदि सल्फेट से बना है तो सल्फाइड बोल देते हैं। यदि कार्बोनेट से बना है तो आपको, यदि कार्बोनेट साल्ट जो होते हैं उनसे बना है तो उसको कार्बोनेट बोल देते हैं, नाइट्रेट्स बोल देते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने साल्ट हैं। और जो फर्स्ट आपका कॉमन साल्ट है, वैसे ये जो NaCl है, इसको हम सोडियम क्लोराइड साधारण नमक बोल देते हैं, कॉमन साल्ट है। ये कॉमन साल्ट वैसे इसको दिया गया नाम है साधारण नमक है। जो फर्स्ट आपका साल्ट है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ही क्या करता है, जो रॉ मटेरियल का काम करता है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा पदार्थ। यानी सोडियम क्लोराइड बहुत से अन्य साल्टों के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी ये रॉ मटेरियल का काम करता है और साल्ट को बनाने में हमारी सहायता करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार होता है, हाउ इट इज फॉर्म्ड, या इसका प्रोडक्शन किस प्रकार होता है। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की और HCl की, यानी ये एक बेस है, ये एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो बनता क्या है, सोडियम क्लोराइड। और साथ में क्या निकल जाता है, एसिड और बेस जब भी आपके रिएक्ट करेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो किस पर क्या लिखेंगे, यदि लिखना जाए कि हाउ NaCl इज फॉर्म, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इस प्रोसेस में हम, या इसके अंदर से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत इसके अंदर से गुजारते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी इनका जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, देन कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, यानी उसका निर्माण होता है विद वाटर, यानी पानी के साथ। यानी पानी बनता है और उसके साथ में क्या बनता है आपका, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट बनता है। तो इस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन होती है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कहाँ कहाँ आपका मिलता है हमें, आपको बताइए कि समुद्र के किनारे जो है वो सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है, समुद्र के किनारे, या अंडरग्राउंड डिपॉजिट, यानी जो नीचे जमी हुई परत हैं उनके अंदर भी कई बार हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, साधारण नमक है। तो
इसका निर्माण है, एक बार और देख लो आप किस प्रकार होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है किस किस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड का, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है और उसके साथ कौन क्या निकल जाता है बाहर, पानी। यही बात आपने वर्ड्स में लिखनी है कि जब हम विद्युत अपघटनी के माध्यम से किसका किस किस को रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और पानी बाहर निकल जाता है। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है। कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं हम, वेयर सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड, यानी जो आपका कॉमन साल्ट है उसके यूज़ क्या क्या हैं। तो उसके यूज़ क्या क्या हैं भाई, उसके यूज़ देखिए, एक तो बहुत सी पदार्थों के लिए किसका काम करता है, ये रॉ मटेरियल का काम करता है। तो सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ अदर साल्ट, यानी और बहुत से लवणों के लिए किसका काम करता है, ये रॉ मटेरियल का काम करता है। किस किस के लिए, एक तो एग्जांपल लिख सकते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, बेकिंग सोडा लिख सकते हो, वॉशिंग सोडा लिख सकते हो, इन सभी के लिए किसका काम करता है, ये रॉ मटेरियल का काम करता है भाई। किसका काम करता है, रॉ मटेरियल का। और आपको पता है कि कॉमन साल्ट कहाँ यूज़ किया जाता है, कॉमन साल्ट यूज़ किया जाता है हम घरों में जो खाना पकाते हैं, यानी इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड, यानी जो हम खाना बनाते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज ए एंटा एसिड इन पिकल्स, यानी अचार के रूप में हम किस में यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज एंटा एसिड का मतलब आपको पता है क्या होते हैं, जो एसिड के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं, यानी विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, एंटा एसिड, इट इज़ यूज एज एंटा एसिड इन पिकल्स, यानी अचार के अंदर इसको एंटा एसिड के रूप में यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं इसका, और जो कोल्ड कंट्रीज का मतलब ठंडे वो देश जहाँ पर रोडों के अंदर क्या है, रोडों के ऊपर क्या है, रोड्स के ऊपर बर्फ़ जम जाती हैं, कोल्ड कंट्रीज यूज्ड कॉमन साल्ट या यूज्ड इट टू रिमूव आइस फ्रॉम द रोड्स, यानी जो रोड है उनके ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वो कॉमन साल्ट का यूज़ करते हैं कोल्ड कंट्रीज। तो ये इसके कुछ यूजेज हैं, यानी इसके प्रयोग कहाँ कहाँ ये प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड आपका साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड किसके लिए यूज़ किया जाता है, रॉ मटेरियल के लिए, बहुत से साल्ट के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करता है। और किस में यूज़ किया जाता है, कुकिंग फूड यानी भोजन पकाने के लिए, किस में यूज़ किया जाता है, एंटा एसिड इन पिकल्स, यानी जो एसिड के प्रभाव को कम करते हैं। और तीसरा क्या है, कोल्ड कंट्रीज यूज़ करती हैं फोर्थ इसको, बर्फ़ को अपने जगह से यानी रोड से रिमूव करने के लिए क्या करती हैं, इसका प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट जो है साल्ट, वो कौन सा है आपका, जो फर्स्ट साल्ट है वो आपका कास्टिक सोडा, कौन सा भाई, कास्टिक सोडा इसका क्या है, कास्टिक सोडा है इसका कॉमन नेम, क्या है, कॉमन नेम, यानी साधारण नाम इसका क्या है, कास्टिक सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH बोलते हैं इसे, यानी कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका NaOH इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला, यानी रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। और इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कई बार पूछा जाता है भाई एग्ज़ाम में, वह कास्टिक सोडा जो है उसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका क्या है, केमिकल नेम। कास्टिक सोडा इसका क्या है,
कॉमन नाम साधारण नाम है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है NaOH NaOH। तो सबसे पहले इसके कॉमन नाम और इसका केमिकल फॉर्मूला और इसका रासायनिक नाम, ये इसका रासायनिक नाम, ये इसका रासायनिक सूत्र और ये इसका सामान्य नाम, ये इसका क्या है सामान्य नाम। तो ये सारी चीज़ें एक बारी हर साल्ट की आपने याद करनी है, आगे जितने भी साल्ट आएंगे उसकी याद करनी है कि व्हाट इज़ देयर कॉमन नेम, व्हाट इज़ द देयर केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज़ देयर केमिकल नेम, यानी उसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है और रासायनिक सॉरी इसका सामान्य नाम क्या है। हर एक साल्ट के ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं ये। तो ये इसका कास्टिक सोडा कॉमन नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। इसके बाद हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, यानी इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका उत्पादन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है उसके एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी की उपस्थिति में हम उसका क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी क्या करते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं या उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी करते हैं तो क्या होता है आपका Na के साथ क्या जुड़ जाता है OH और H के साथ क्या जुड़ जाता है Cl, NaOH और HCl का निर्माण होता है। ये आपका कास्टिक सोडा यानी जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस प्रकार सॉरी इस पर, यहाँ ये आपका हाइड्रोजन अलग बनती है और क्लोरीन गैस अलग बनती है भाई। तो पानी नहीं बनता, आपका H2O अलग बनता है और Cl2 अलग बनता है। यहाँ इसको थोड़ा सा आप बैलेंस कर लेना, 2NaCl और 2 यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से 2 यहाँ, अब ये बैलेंस हो गया आपका। तो इस प्रोसेस का दूसरा नाम है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी क्लोरोक्सार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसको हम क्लोरोक्सार अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्लोरोक्सार अभिक्रिया, क्योंकि आपको पता है कि OH जो देता है आपका वो क्या होता है एक बेस यानी अक्षार होता है आपका, और यहाँ इसे क्या निकल रही है आपकी क्लोरीन गैस निकल रही है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम क्लोरोक्सार अभिक्रिया भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार ही आया है कि क्लोरोक्सार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो क्लोरोक्सार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, जब भी NaCl कॉमन साल्ट साधारण नमक का जलीय विलयन में क्या किया जाता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो इसका निर्माण होता है आपका कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ क्या निकलती है आपकी हाइड्रोजन गैस और साथ में क्लोरीन गैस। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अल्कली इसलिए क्योंकि जो अपना पहला ग्रुप होता है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम, ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है अपना, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल। तो इसलिए इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस नाम दिया गया है, अल्कली इस सोडियम के लिए, क्योंकि ये जो सोडियम है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, और फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कलीज बोलते हैं। तो इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोडक्शन के बाद वो है इनके यूजेज, कि कहाँ कहाँ ये प्रयोग किए जाते हैं, यानी आपका कास्टिक सोडा कहाँ प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रयोग की जाती है और क्लोरीन गैस कहाँ प्रयोग की जाती है। तो दीज आर द यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यानी साबुन और जो सर्फ हम बनाते हैं उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, यानी पेपर कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इट इज़ यूज्ड इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट, और बॉक्साइट और क्या होता है, और वो होते हैं जिसको हम हिंदी में अयस्क बोलते हैं, जिससे धातु प्राप्त करना सस्ता व आसान होता है उसे हम बोलते हैं अयस्क। बॉक्साइट अयस्क होता है किसका, एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम को प्राप्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन डीग्रीसिंग मेटल, डीग्रीसिंग का मेटल का यानी जिस भी धातु के ऊपर ग्रीस यानी चिकनाई लग रही हो, या ऑयल रिफाइनिंग यानी तेल को
शुद्ध करना और रिफाइनरी जो होती हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज़ की जाती हैं। तो इट इज़ यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स आपका फोर्थ चैप्टर में आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तब क्या होता है कि हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर किसका यूज़ करते हैं हम, हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स। सॉलिड फैट्स यानी जो वसा होती है उनको प्राप्त करने में किसका प्रयोग करते हैं हम, हाइड्रोजन का। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग अमोनिया, अमोनिया किसके लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं हम खाद जो डालते हैं उनके लिए जो अमोनिया बनाई जाती है, अमोनिया यानी NH3, उसके अंदर किसका यूज़ होता है आपका, हाइड्रोजन का यूज़ होता है। और हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर रॉकेट, आपको पता है रॉकेट जो आसमान में उड़ते हैं उनके अंदर जो इंजन डलता है वो होता है आपका हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन इज यूज मेकिंग मैथेनॉल, मैथेनॉल आपको पता है क्या होती है, मैथेनॉल होती है शराब, क्या होती है शराब होती है, जो CH3OH केमिकल फार्मूला होता है इसके अंदर भी किसका यूज़ होता है आपका, हाइड्रोजन का यूज़ होता है। तो हाइड्रोजन इज़ यूज इन मेकिंग मैथेनॉल, मैथेनॉल को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यूज़ बच जाते हैं आपके क्लोरीन के, तो क्लोरीन कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, क्लोरीन में जस्ट आपको बता देता हूँ, बुक के अंदर ये अच्छी तरीके से लिख रखे हैं, आप पढ़ भी लेना चाहिए कि क्लोरीन कहाँ यूज़ की जाती है। क्लोरीन यूज़ की जाती है, क्लोरीन यूज़ की जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको बनाने में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। और किस में होते हैं, पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करना जैसे अपने जो जलघर होते हैं और जो स्विमिंग पूल्स होते हैं इनके अंदर क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है, किसके लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। और कहाँ यूज़ किया जाता है, और किया जाता है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है उसको बनाने में इसके क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो क्लोरीन का यूज है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको बनाने में भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे यूज़ हैं आपके किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, हाइड्रोजन के और क्लोरीन के, यानी जो ये तीन के तीन आपके क्लोरोअल्काली प्रोसेस में जो चीज़ें निकली थी, क्लोरोअल्काली प्रोसेस क्या था आपका, यानी NaCl एक्वा सोल्यूशन पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस की, आपका बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनी क्लोरीन गैस और इसके साथ निकली हाइड्रोजन गैस। तो ये क्लोरीन के भी यूज़ आपको बता दिए हैं, हाइड्रोजन के भी यूज़ और कास्टिक सोडा के भी यूज़ आपको बता दिए हैं। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके यूज़, इसका प्रोडक्शन, इसका कॉमन नेम, इसका केमिकल नेम और इसका केमिकल फॉर्मूला, दैट्स इट।